प्रयागराज में जैन मंदिरों में छोटे वस्त्र पहनकर आने वाले पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कटी फटी जीन्स, हाफ पैंट, बरमुडा, नाइट सूट, फ्रॉक, छोटे भड़कीले वस्त्र पहनकर जैन मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह निर्णय जैन समाज ने लिया है। जैन मंदिर है, उसमें भी जो लोग जो है दर्शन करने आते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो छोटे कपड़े पहन के ना आए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चश्मा लगाया गया है कि सभी महिलाएं और पुरुष जो मंदिर परिसर में जो हो दर्शन करने आए, वो छोटे कपड़े पहन के ना, चाहे टी शर्ट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे फटे हुए जीन्स हो। इसके पहले शहर के प्रसिद्ध मंकामेश्वर मंदिर में भी इस तरह के कपड़े पहन कर आने पर रोक लगाई जा चुकी है। जैन समाज ने शहर के मंदिरों में मर्यादित एवं शालीन कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में प्रवेश देने का निर्णय लिया है। शहर के सभी जैन मंदिरों में बकायदा इस आशय के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दिगंबर जैन समाज के मंत्री राजेश जैन ने बताया कि मंदिरों में मर्यादित और शालीन कपड़े पहनकर आने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसकी रविवार से शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा जैन समाज की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश के समय सिर ढककर आने की भी सलाह दी गई है। कहा गया है कि सिर ढककर ही दर्शन करें और पूरी तरह काले वस्त्र पहनकर आने से बचें। पाश्चात्य संस्कृति वाले परिधानों का पूरी तरह परहेज करने के लिए कहा गया है। जैन समाज के मैनेजर का कहना है कि इससे समाज में शालीन व्यवहार और मर्यादा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और नई पीढ़ी मर्यादित आचरण के साथ ही संस्कारों का अनुसरण कर सकेगी। इसलिए समाज की जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह की अपसंस्कृति को विस्तार न लेने दिया जाए। देखिए यहाँ पे ना, हमारे यहाँ कल से पहल की गई है कि यहाँ पे चार जैन मंदिर है, चारों में एक पहल कर दी गई है कि आप जो कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए, जैसे यानी कि चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मर्यादित वस्त्र ही पहन कर मंदिर के अंदर आए। मंदिर में जैसे ये हाफ पैंट है, बरमुडा है, मिनी स्कर्ट है, नाइट शू है, खटी फटी जींस है, इन सबको बैन कर दिया है। अगर आप मंदिर के अंदर आप दर्शन करने ही आइए तो आप अपने जैसे पैंट शर्ट है सारे हो, कुर्ता पैजामा है, अब महिलाएं हैं तो सूट या सलवार सूट हुआ धोती पहन के ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें, जैसे भगवान के अतिशय बना रहे और मंदिर में कोई मंदिर की एक मर्यादा भी बनी रहे। आप सुबह रहे हो, आप सुबह साफ़ कर रहे हो।